यकीन नहीं होगा, अभी जयपुर एयरपोर्ट जिन्होंने लिया अडानी, उनका बंदा मुझसे पैक करा के लेके गया, उन्होंने उसको मैसेज भेजा कि भाई इस दुकान से लेकर आओ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। अभी हम हैं गोपाल जी के रास्ते में राहुल चाट भंडार पे। हम आपको इनकी कुछ फेमस डिशेज आपको दिखाते हैं। कैसे क्या क्या बनाते हो, किस किस चीज़ में बनाते हो? देखिए तो हमारे दो आइटम बनते हैं, ये दोनों मोनोपोली आइटम है, एक ये टिकिया है और दही बड़ा अंदर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुदीने वाली चटनी डलती है इसमें और ये ऊपर ये हाथ के कुटे हुए मसाले होते हैं सारे, हाथ के कुटे मतलब इमाम दस्ते में। सर आपका शुभ नाम? रंजीत जोशी। रंजीत जी क्या खिलाओगे आज? दोनों चीज़ गर्म खाना तो टिकिया है, टिकिया, और ठंडा खाएं तो दही बड़ा है। इसको चलाना भाई साहब थोड़ा छोले को। बिल्कुल सर, ये इसलिए रखते ताकि गर्म बना। हाँ चलाओ इसको थोड़ा सा। क्या ये छोले? ये काबली चने हैं। ये काले कैसे हो रखे हैं? ये गर्म मसाले होते हैं। अच्छा, गर्म मसालों से। और ये आपकी सौर की चटनी दिखा दो इसको चला के भी एक बार। ये सौर चलाओ चलाओ चलाओ। ये देखो चटनी, आपका धनिया की चटनी है। धनिया की चटनी आ गई, जो अपना हरा पुदीना हरा धनिया। ये अपने दही बड़े के मसाले हैं। दही बड़े के मसाले, चिली फ्लेक्स है, बिल्कुल हाथ से कुटी हुई है। ओके, ये आपका जीरा है, फिर काली मिर्च, और इसमें तीन तरह के नमक मिक्स है। ये दोनों मोनोपोली आइटम है। अगर आपको चाहिए, जयपुर में कुछ 4-5 लोग हैं जो बनाते हैं इस तरह से, उसमें से हम एक है। मतलब मोनोपोली ले रखी है इन दोनों चीज़ों की? मोनोपोली ये भी हमारे ऐसे आइटम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। जो हमारा टेस्ट है ना वो पूरे जयपुर में मिलेगा। अरे भाई, लेकिन बहुत दूर दूर से खाने आते हैं। वैशाली हो गया आपका, मानसरोवर, प्रतापनगर। आपको यकीन नहीं होगा, अभी जयपुर एयरपोर्ट जिन्होंने लिया अडानी, उनका बंदा मुझसे पैक करा के लेके गया, उन्होंने उसको मैसेज भेजा कि भाई इस दुकान से लेकर आओ। ये मैं आपको शॉट डाल रहा हूँ। अभी ये डाल दिया इसमें मसाला, और तीन तरह का मसाला इसमें पैकेट डाल रहे हो, एक बार बताते रहना। हाँ, और ये चिली फ्लेक्स है, डालिए हाथ से कुटी हुई है इमामदस्ते। ये जीरा सिका हुआ, और इसमें काली मिर्च मिक्स है। ये आइटम कितने का बन गया सर? ये 40 रुपये का है। रेट हमारे बहुत रिजनेबल है। 40 रुपये में मतलब ये चार आते हैं? चार पीस आते हैं, दो जने खा सकते हैं आराम से। अच्छा, ये सब पीस है। ये थोड़ी सी खट्टी चटनी टेस्ट के लिए, पुदीना टेस्ट आएगा। ये मतलब हमेशा डालते हो या आज ही डालते हो? नहीं नहीं, हमेशा डालते हैं, मतलब ऐसे ही बनाते हैं। टेस्ट आता पुदीने का। ये आपके आपका शुभ नाम सर? सुरजीत सिंह। सर कितने टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे, क्या फर्स्ट टाइम ही? 8-10 साल से खा रहे हैं। 2 साल से खा रहे हैं। मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ आप अमूमन यही खाते हैं कि दही बड़े भी खाते हैं? दही बड़े भी खाते हैं। यहाँ साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैं तो देखो आदमी टेस्ट के लिए आ जाता है। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया लगता है। महंगा भी नहीं है। कितने की है टिकिया? हाँ जी, टिकिया का क्या प्राइस? 40 रुपये। तो दोस्तों अब बनवाता हूँ मैं एक छोला टिक्की, है ना, जो कि मशहूर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके लिए मैं छोले टिक्की बनाता हूँ। ये टिक्के लिए मैं इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, बिल्कुल, और इसमें थोड़ा सी चटनी का फ्लेवर डालेंगे। डालिए सर थोड़ा सा, फिर इसमें डालेंगे छोले। डालिए सर, थोड़ा चला के डालो उसको। अभी वापस आएंगे, ये पुदीने वाली चटनी डालेंगे और फिर इसमें वापस मीठी चटनी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये मसाले का फ्लेवर देखिए, कुटा हुआ, कुटा हुआ हाथ से कुटे हुए मसाले, लकड़ी के चम्मच। हम अभी हैं राहुल चाट भंडार। हम इनकी फेमस आलू, देसी घी की आलू टिक्की ट्राई करने जा रहे हैं, और हम आपको इनका रिव्यू शेयर करते हैं। टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और आलू टिक्की में देसी घी का फ्लेवर आ रहा है, तो हम इनके पूरी आलू टिक्की एंजॉय करते हैं। हमने इसकी एक और बाइट ट्राई की, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब हम आए शर्मा चाट भंडार, हम इनकी कुछ फेमस रेसिपी आपको शेयर करते हैं।
पहले ग्रीन चटनी डाल दी, टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिए। दो बार डलती है चटनी है ना? हाँ जी। आलू, आलू डाल दिए, मीठी चटनी डाल दी। मीठी चटनी तो तगड़ी लग रही है। कर ये जीरो नंबर हरा धनिया बेहतर नहीं है? तैयार। तो शर्मा जी कितने टाइम से बैठे हो? 12-13 साल हो गए सर। 13 साल से? 2009 से। 2009 से हो। और लोगों को ने पसंद कर रखा है आपको? बढ़िया है जी। लोग बाग अगर यहाँ पे कोई आना चाहे तो एड्रेस बताओ कैसे आए? एड्रेस है गोपाल थोड़ा रास्ता, इसके अंदर गोपाल जी का रास्ता, गंगा माता के मंदिर के सामने। अभी हम हैं गोपाल जी के रास्ते में शर्मा चाट भंडार पर, हम इनकी सेव पपड़ी चाट ट्राई करेंगे। ये देखें इनकी सेव पपड़ी चाट, तो हम लेते एक बाइट। टेस्ट वाइज इनकी सेव पपड़ी चाट बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी है। तो आप यहाँ आए और इनका सेव पपड़ी चाट ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनकी सेव पपड़ी चाट का टेस्ट कैसा लगा। तो हम मिलते हैं किसी और नए जगह पर। आज हम ट्राई कर रहे हैं शर्मा जी का बॉम्बे सैंडविच, इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। चलो हम इसे ट्राई करते हैं। ये फुल्ली लोडेड, आप देख सकते हैं फुल्ली लोडेड है। तो हम इसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं, तो से ले ली। तो
टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा शानदार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम आए पूरण जी कचौरी वाला, इनकी हींग की कचौरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हम इनकी हींग की कचौरी की आपको फुल मेकिंग दिखाते हैं और फिर इनकी हींग की कचौरी का जायका टेस्ट करके बताते हैं। कचौड़ी बनी भैया, ये हींग वाली, ये हींग की है, क्या क्या रहता है इसमें? हींग ज़्यादा रहती होगी, कितने रुपये की रहती है कचौरी? 15 दिन तक खराब नहीं होती, ऐसा कह रहे हो? तो बाहर भी जाती होगी? बाहर जाती होगी। यहाँ पे बन रही है हींग की कचौरी है, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। हालांकि ये कितनी बार होती है, दिन में कितनी बार बनती है यहाँ पे? दिन भर बनती रहती है। नहीं, 8 से 8 है स्टार्ट, थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा दूंगा अंदर क्या बनता है। मेरा नाम पुरुषोत्तम पोसवाल है और जो अपने यहाँ पर सबसे फेमस है दही कचौरी है। हींग की कचौरी आती है, इसमें जैसे दाल, काली मिर्ची, मोटा धनिया, सौंफ, हींग सब मिक्सर आता है कचौरी के मसाले में और उसको गरम गरम दही के साथ सर्व कर देती है। कितने पुरानी लगभग दुकान हो गया? हो गए भैया 58 साल हो गए दुकान को, और ये दादाजी ने स्टार्ट करी थी 30 रुपये। वो दादाजी दिखे? बिल्कुल वो दादाजी है, वो फादर साहब। फादर साहब सही है, बिल्कुल। तो ये ही है जो दही है और ये कचौरी आ गई आपकी, और इसको ये लगा। अच्छा, ये हो गया दही कचौरी। दही कचौरी बिल्कुल। ये कितने रुपये का है भैया? ये 15 का है कचौरी है सिंपल, और दही के साथ 20 का है। अच्छा, विद दही 20 रुपये की का। समोसा देखो कैसा है भाई, चटनी ये आ गया समोसा। ये जो चटनी होती है वो केवल दही की और कातोड़ी आती है। कातोड़ी? अच्छा। कातोड़ी और दही उससे मिलती है। कातोड़ी भी अमचूर आता है उससे बेस्ट होती है, अमचूर से बेस्ट होती है कातोड़ी। थैंक यू। तो बाहर की जाती है क्या भैया? बिल्कुल, 100 में से 70% मानोगे दिल्ली बम्बे लोकल है। अच्छा, दिल्ली बम्बे का तो रोज लोकल है। अरे वाह, क्या चीज़। 1 किलो वाला जो भी कचौरी होती है ना। अब हम इनकी हींग वाली कचौरी ट्राई करते हैं। ये देखिए, इनकी हींग वाली कचौरी हमने ली है विद दही के साथ, जिसकी प्राइस है 20 रुपये ओनली। और अब हम इसकी एक बाइट लेते हैं। कचौरी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हम इसे दही के साथ ट्राई करते हैं। इनकी हींग की कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको हर बाइट के अंदर हींग का फ्लेवर माउथ में फील होगा। अगर आप भी इस साइड आ रहे हो तो इनकी हींग की कचौड़ी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको इनकी हींग की कचौड़ी का टेस्ट कैसा लगा।